मिर्जापुर जिला के विंध्य प्रांगण में आज सुबह हमारी मीडिया टीम पहुंची तो दर्शन पूजन करने के बाद देखा जाता है कि गंगा के घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान ध्यान करते नजर आए। मगर हमने एक चीज़ देखने को मिली कि स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए महिलाओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश में एक नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ देखा जा रहा है कि महिलाओं को गंगा नहाने के बाद खुले में ही कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। शासन प्रशासन की दुर्व्यवस्था देखकर रूह कांप जाती है। घर की बहन बेटियां नहाने के बाद कपड़ा खुले गंगा के घाट पर बदलना पड़ रहा है। मंदिर का निर्माण का कार्य की बात की जाए तो जैसा कछुआ चलता है ठीक उसी प्रकार निर्माण कार्य तेजी में है। आज हम सुबह गंगा स्नान करने के बाद जो देखा, आने जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं बनाया गया है। गंगा नहाने के बाद जब चलते हैं तो उस पर गिर जाते हैं। रास्ते में ईंट पत्थर रख दिए गए हैं जिससे आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम प्रशासन को देखना चाहिए कि यात्रियों को क्या दिक्कत है, निर्माण कार्य चल रहा है तो एक साइड में रास्ता तो देना चाहिए, रास्ते में से ईंट और पत्थर को हटा देना चाहिए। बड़ी दुर्व्यवस्था है इस समय विंध्याचल मंदिर में। प्रयाग न्यूज़ एक्सप्रेस से शैलेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट।